वेलकम बैक फ्रेंड्स। दो अल्टिका, वन इन द व्हाइट, वन इन द मैग्मा ग्रे, दोनों ही गाड़ियों का कंप्लीट मॉडिफिकेशन हम लोग देख सकते हैं। वन इन द डिसेंट कलर टोन कॉम्बिनेशन, द कॉफी कलर ऑफ द टॉप गियर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस कार। एंड ये गाड़ी में फिर से हम मैग्मा ग्रे के ऊपर पर्शियन ग्रीन स्पोर्ट्स इंटीरियर का थीम देख रहे हैं। दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर की खास बात है, एक्सटीरियर में कुछ डिफ्रेंसिएशन है, बट दोनों ही गाड़ियां मारुति जेन्युइन एक्सेसरीज से अपग्रेडेड है। किस तरीके से एक एक जो जेन्युइन एक्सेसरीज इसमें हमने लगाई हुई है, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। द एलॉय व्हील ऑफ द कार्स, 15 इंच के व्हाइट गाड़ी के ऊपर ब्लैक अलॉयज का लुक देख सकते हैं किस तरीके से है। एंड ये गाड़ी के ऊपर मैग्मा ग्रे के ऊपर गन मेटल ग्रे, जो गाड़ी का कलर है उसी कलर के अलॉयज देख सकते हैं। द 15 इंच मारुति जेन्युइन अलॉयज हैज बीन इंस्टॉल्ड इन बोथ द कार्स। एक एक जेन्युइन एक्सेसरीज जो दोनों ही गाड़ियों में हमने लगाई हुई है, चाहे वो हमारे अलॉय व्हील्स हो, चाहे वो हमारा पीछे का स्पॉइलर हो, द रियर स्पॉइलर, इट्स अ मारुति जेन्युइन। इसकी फिटमेंट्स देख सकते हैं कि पूरी गाड़ी हिल रही है, बट स्पॉइलर जरा भी उसके अंदर नहीं लगा। बाकी आफ्टर मार्केट स्पॉइलर ब्रैकेट लगते हैं, क्लिप लगते हैं, दोनों ही गाड़ी में फिटमेंट्स देख सकते हैं। सो द मारुति जेन्युइन स्पॉइलर, द मारुति जेन्युइन अलॉयज हाईलाइटेड विद द मारुति जेन्युइन साइड डोर प्रोटेक्शन मोल्डिंग, जो दरवाजे पे स्क्रैच नहीं आने के लिए ये मोल्डिंग्स आती है। पियानो ब्लैक विद द क्रोम इंसर्ट के साथ इसकी फिटमेंट्स आप लोग देख सकते हैं। जो इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स हैं, दरवाजा जैसे ही हम खोलते हैं एटिगा नेम एंड उसमें इल्यूमिनेशन, ये भी मारुति जेन्युइन फॉर्मेट में आती है। एक मारुति जेन्युइन स्कफ प्लेट का अपना अलग लुक है, बट एक जो पर्शियन ग्रीन गाड़ी के इंटीरियर के हिसाब से जो हमने आफ्टर मार्केट वाली हमारी लगाई हुई है, इसका भी लुक देख सकते हैं। दोनों के अपने प्लस और माइनस पॉइंट है। ये वाली जो है इसमें फुल लाइट आपको आती है अर्टिगा नाम के साथ बाउंड्री में, वो वाली जो है लगती ऊपर है बट नाम खाली अक्षर में आता है, फ़र्क आप लोग देख सकते हैं। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से दोनों ही गाड़ियों का मॉडिफिकेशन है। द नाइट लुक ऑफ द कार, ये गाड़ी के अंदर ऑनिक्स DRL का हमारा सेटअप है। एक हेडलाइट के अंदर दो DRL, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, डार्क मोड में। जस्ट सी द मॉन्स्टर लुक ऑफ द कार हाईलाइटेड विथ द टू DRLs, जो कंपनी के प्रोजेक्टर है। दोनों ही गाड़ियों में पर्शियन ग्रीन कलर की रिंग से इल्यूमिनेटेड है। सी द नाइट लुक ऑफ द कार एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऑनिक्स DRL लग रही है, बट द ऑल न्यू लॉन्च ओमेगा DRL जब ये स्टार्ट होती है, इसका जो इंट्रोडक्शन है कितने ब्यूटीफुल तरीके से है आप लोग देख सकते हैं। दोनों ही इसका अपना अलग अलग लुक है। जब ये गाड़ी हमने स्पोर्ट्स थीम के हिसाब से डिज़ाइन की है तो इसकी DRL स्पोर्ट्स थीम में है, ये गाड़ी हमारी एलिगेंट वे में है तो इसकी रेगुलर एलिगेंट DRLs आती है। ये कार में हमने LED फॉग लैंप्स लगाए हैं जो वाइट एंड येलो ट्विन कलर्स में आते हैं, जिसमें पीली लाइट भी है एंड इसको आप बंद करके चालू करें तो वाइट लाइट भी है। ये गाड़ी में हमने IPH के प्रोजेक्टर्स M617 लगाए हैं, जिसके ये डी कर्व्स आप लोग देख सकते हैं। गाड़ी वही है, मॉडल वही है, बट जो एक्सेसरीज लगने का तरीका है अलग अलग तरीके से है, किस तरीके से। बट जो मैं आप लोग को हर बार बोलता हूँ, अर्टिगा की जो एक सिग्नेचर है इज द गैलेक्सी टेल लाइट विद द गैलेक्सी टेल बार। द गैलेक्सी टेल लाइट हैज बीन इंस्टॉल्ड इन द कार। एक, दो और तीन, ना इस पैनल में लाइट थी, ना इस पैनल में लाइट थी, ना इस पैनल में लाइट थी। तीनों ही पैनल्स में हमने LEDs इंटीग्रेट किए हैं। एंड ये गाड़ी में खाली हमने पिलर लाइट्स लगाई हुई है ऊपर की, आप लोग देख सकते हैं कि फ़र्क दोनों में कैसा क्या है। दिस इज ओनली द पिलर लाइट, दिस इज द पिलर लाइट, दिस इज द XL16 लाइट, दिस इज द एक्सटेंशन पार्ट, तो इनको सब मिला के बोलते हैं द गैलेक्सी टेल लाइट। टेल बार्स इसमें हमने नहीं लगाई है, बट उसका लुक आपने देखा है प्रीवियस वीडियोस में कितना सॉलिड एंड एक्सप्लोसिव। लाइट्स ऑन कर, जो हमारे डिफ्यूज़र्स हैं
दोनों ही गाड़ियों में अलग अलग मॉडल के हैं। दिस इज द फोर एग्जॉस्ट पियानो ब्लैक विद द क्रोम। सो फोर एग्जॉस्ट डिफ्यूजर है पीछे की तरफ, टू एग्जॉस्ट डिफ्यूजर है विद द राउंड शेप एग्जॉस्ट, इसका भी गेटअप हम लोग देख सकते हैं। बट जो इंटीरियर दोनों ही गाड़ियों का हमने किया हुआ है, फर्स्ट हम देखते हैं द ऑल टाइम फेवरेट द पर्शियन ग्रीन कलर। एक व्यू में डैशबोर्ड, स्टेयरिंग पैनल, गियर कंसोल, गियर नॉब, उसके नीचे का क्लॉथ, दरवाजों में लेदरिंग वर्क, फ्लोर मैट्स इन द सेम टू सेम कलर। यू कैन जस्ट सी द पर्शियन ग्रीन कलर इंटीरियर, स्पेशली रिकमेंडेड फॉर द मैग्मा ग्रे कलर कार। जो सीट कवर्स भी हमने लगाए हैं, टॉप गियर का एक और न्यू डिज़ाइन इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं, द एम्बोस डिज़ाइन। जो नेक कुशंस हैं वो भी पर्शियन ग्रीन में है। जो डैशबोर्ड को हमने कोट किया है, द आइस ग्रे पर्शियन ग्रीन डैशबोर्ड इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं। सेट ऑफ 10 पीसेस की तो स्टाइलिंग किट हम देखते ही हैं, बट द 11th पीस द गियर कंसोल हैज आल्सो बीन कोटेड इन द कार्बन फाइबर। लुक देख सकते हैं कि खाली एक गियर के इधर भी जब वो स्टाइलिंग किट का शेड आता है तो क्या उसका लुक है एंड क्या उसका गेटअप है। द स्टेयरिंग ऑफ द कार हैज बीन रिप्लेस्ड विद अ कार्बन फाइबर स्टेयरिंग विद द अपर कट विद द स्टेयरिंग कंट्रोल कट, द रेस्ट इज अ प्योर लेदर रैप। एक कमेंट जरूर करिएगा कि कौन सी गाड़ी का इंटीरियर उसके अंदर हमको अपीलिंग लग रहा है। एक एक गियर नॉब के साथ, एक एक आर्म रेस्ट के साथ आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने अर्टिगा के अंदर एक पर्शियन ग्रीन इंटीरियर का कॉन्सेप्ट सेटअप किया हुआ है। कमिंग टू द इंटीरियर ऑफ द वाइट कलर कार, द लग्जरी लाउंज इंटीरियर, द कॉफी एंड द वेनिला टोनिंग हैज बीन डन इन द कार। जो सीट कवर है टॉप गियर के हैं दोनों ही गाड़ियों में, एक में स्टिचवर्क वाला पैटर्न है बट एक में द ऑल न्यू लॉन्च कॉफी एंड वेनिला डार्क ब्राउन के साथ क्रीम का कॉम्बिनेशन किस तरीके से हमने इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर। द स्टेयरिंग ऑफ द कार इज इन द कॉफी एंड द वेनिला। डोर में लेदरिंग का जो वर्क है वो भी कॉफी कलर के अंदर कोटेड है। जो दरवाजों की स्टाइलिंग किट्स हैं, द ब्राउन कार्बन स्टाइलिंग किट जो हमारे कॉफी शेड को मोस्ट सूटेड है, किस तरीके से एक कॉफी कलर के साथ हमने एक मैच किया है इंटीरियर को। मैं फिर से बोलता हूँ, एक सीट कवर की सिलेक्शन पूरे इंटीरियर को क्लासिफाई करती है कि स्टेयरिंग क्या कलर का होगा, लेमिनेशन क्या होगा, मैट्स क्या आएंगी, स्टाइलिंग किट क्या आएगी, ऑल डिपेंड्स अपॉन द सीट कवर। द फ्लोर मैट्स इज इन द ब्लैक विद द वॉलनट पाइपिंग विथ हनी कॉम्स के साथ, दोनों ही गाड़ियों में टॉप गियर की 70 मैट्स देख सकते हैं। नाइट लुक में एम्बियंट लाइट का गेटअप देख सकते हैं। जो ये कार है विदाउट एम्बियंट लाइट है, इसमें हमने नहीं लगाई है, आप लोग देख सकते हैं कि रेगुलर अल्टिगा कैसी आती है। बट खाली एक एम्बियंट लाइट गाड़ी में एड ऑन कर देने से दरवाजे, डैशबोर्ड, बॉटल रखने वाला सेक्शन, पाँव रखने वाला सेक्शन, दरवाज़ा खोलने वाला सेक्शन, द कंप्लीट सेट ऑफ 20 प्रोजेक्टर एम्बियंट लाइट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस कार। सो दोनों ही गाड़ियों के अपने अलग अलग लुक हैं आप लोगों के सामने हैं। साइड स्टेप्स ये गाड़ी के अंदर हम लॉन्च कर रहे हैं। वैसे तो अर्टिगा में ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि 15 इंच का ही प्रोफाइल आता है, बट कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी। सो डिज़ाइनर स्टेप्स भी इसके अंदर हमने लगाए हुए हैं, इसकी फिटमेंट्स भी आप लोग देख सकते हैं। एंड द ब्लैक गोफार कैरियर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन द वाइट कलर कार। कोई बोल नहीं सकता है कि कैरियर है क्योंकि इसका जो लुक है एक एरोडायनामिक शेप है। वाइट कार पे ब्लैक कैरियर के साथ ब्लैक अलॉय के साथ ब्लैक मोल्डिंग के साथ ब्लैक स्कर्टिंग के साथ ब्लैक डिफ्यूज़र का लुक देख सकते हैं जो हमने किया हुआ है। हेडलाइट के बल्ब दोनों ही गाड़ियों के अपग्रेडेड हैं। ऑडियो सिस्टम दोनों ही गाड़ियों का अपग्रेडेड है। नेट प्ले का प्लेयर, हर्ट्स के कंपोनेंट्स दोनों ही गाड़ियों में हमने अपग्रेड किए हुए हैं आगे, एंड कोएक्सियल्स पीछे, जो ऑल टाइम फेवरेट कॉन्फ़िगरेशन हमारा रहा है आप लोग देख सकते हैं। नेट प्ले का 2GB रैम, 32GB मेमोरी, एप्पल कारप्ले के साथ, द हाई रीज ऑडियो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से है। बट एक स्टाइलिंग किट,
एक जेन्यून एक्सेसरीज का अपना अलग लुक है, टॉप गियर के इंटीरियर का अपना अलग लुक है, एक नेट प्ले के प्लेयर के साथ जो हमारे हर्ट्स के ऑडियो अपग्रेड का सेटअप है उसका अलग लुक है, कर्टन्स ये गाड़ी में हमने लगाए हैं फॉर द हीट कंट्रोल, सन कंट्रोल फिल्म ये गाड़ी के अंदर हमने लगाई है, द कार्बन फाइबर हैंडल्स, दरवाज़ा जो हम खोलते हैं, द कार्बन फाइबर मिरर एंड टेल लाइट्स के जो बॉर्डर है कार्बन फाइबर मैग्मा ग्रे पे जो बेस्ट सूट है, एंड क्रोमिंग का कॉन्सेप्ट जो वाइट गाड़ी पे अच्छा लगता है ये गाड़ी पे आप लोग देख सकते हैं। क्लैडिंग्स हैं हमारी जो साइड प्रोटेक्शन के लिए हैं, द मैग्मा ग्रे एंड द सिल्वर, दोनों ही गाड़ियों में पूरा काम हमने किया हुआ है। सो एक लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड दोनों ही गाड़ियों के ओनर भी हमारे साथ में हैं। महाराष्ट्र के दो अलग अलग कोने हैं, एक औरंगाबाद से हमारे पास आई हुई है गाड़ी एंड एक हमारी पूना से आई हुई है। जो वाइट गाड़ी है उसमें हमने प्रीमियम इंटीरियर लग्जरी कॉन्सेप्ट देखा है, एंड जो हमारी पूना की गाड़ी है उसमें हमने पर्शियन ग्रीन स्पोर्ट्स थीम इंटीरियर दिया हुआ है। दोनों ही गाड़ियों के ओनर्स भी हमारे साथ में हैं, आशुतोष जी हैं जो आए हुए हैं पूना से। कैसी सर गाड़ी लग रही है अपनी? गाड़ी बहुत ही अच्छी और लग रही है, वीडियो जिस और तरीके से देखते थे वैसी ही गाड़ी लग रही है कि नहीं? बिल्कुल लग रही है? बिल्कुल उससे ज़्यादा अच्छी लग रही है गाड़ी। मैं जो है गाड़ी ख़रीदने से 6 महीने से पहले ही वीडियो देख रहा था और पूरी प्लान थी कि गाड़ी लेने के बाद रोहित जी के पास ही आना है, और मैं वैसा ही किया और मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी गाड़ी बनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, सो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक प्यार है जो हमारे ऑल ओवर इंडिया का, अर्टिगा की जितनी भी फैमिलीज हमारे साथ जुड़ी है, हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ अलग डिलीवर हम आप लोगों को कर सकें। जो डैशबोर्ड है, जो स्टेयरिंग है, जो गियर के इधर से कुछ ना कुछ ऐड ही किया है, बराबर है कि नहीं? कुछ ना कुछ अलग ही उसके अंदर किया हुआ है। एंड अवंकर जी है जो औरंगाबाद से आए हुए हैं, ये ओवरऑल गाड़ी का अपना काम झालेला है, DRL इंटीरियर जितनी हो सके ऑल द जेन्यून एक्सेसरीज हमने फिट की है, चाहे वो मोल्डिंग्स हो, चाहे स्पॉइलर हो, चाहे अलॉयज हो, चाहे हमारी क्रोमिंग का वर्क हो। कशी का गाड़ी वाटते और कैसी लग रही है सर? एम्बियंट लाइट का सेटअप जो है, इंटीरियर जो सीट कवर, और मम्मी है इनकी जिन्होंने सब चीज़ फाइनलाइज की है, हम उनका भी थैंक यू करते हैं। तो कैसी लग रही है गाड़ी? गाड़ी एकदम अच्छे तरीके से तैयार हुई है, बढ़िया लगी। उसके अंदर से एम्बियंट लाइटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद आई, लाइक वो सबसे लाइक इफेक्टिव फैक्टर लगा है मुझे। जो मैंने यूट्यूब में भी देखा था उसके लिए, जब बिल्ड अपने आपके देख रहा था मैं वीडियोस, जो मेरे मम्मी ने डिसाइड किया था कि गाड़ी का लुक टोटली एलिजेंट होना चाहिए और वो ऑफिशियल लुक ना चाहिए। yes. मेरे पापा के सर्विसेज टाइप के और उनके ड्रीम्स की तरह वो गाड़ी वाइट कलर में है और उसकी लाइटिंग और पूरा इफेक्ट एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हुआ है। ओके, या थैंक यू करेंगे ब्रदर को भी। कैसी लगी सर, कैसी लगी ओवरऑल गाड़ी? ओके, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ यहाँ पे आके ये एक गोल्डन इफेक्ट जिसमें सब कुछ आ गया है। Yes. सुबह 10 बजे आए थे, रात को 10 बजे जा रहे हैं, बराबर है कि दोनों गाड़ियां सुबह 10 बजे आई थी, ये 12 घंटे की तपस्या है हमारी भी एंड कस्टमर की भी, बट एक दिन में ही गाड़ी पूरी तैयार है, बराबर है। रोहित जी इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, सुबह 10 बजे आए और रात को 10 बजे जा रहे हैं, और इसके लिए हम भरपूर जो है ना कोशिश ये है कि रोहित जी के लिए ये काम अच्छा से अच्छा मिले, अच्छा से अच्छा मतलब वो दिखाएं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ओके ओके, तो लाइक जरूर करिए वीडियो को, लाइक वगैरह करना चाहिए जितने भी देख रहे हैं। डू लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द चैनल, सब्सक्राइब ऑन द चैनल, ड्राइव सेफली।